तो दोस्तों, हमारा जो पहला शॉर्टकट है वो है कि हम माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड को डायरेक्टली कैसे खोलें। और शुरू करने से मैं पहले बताना चाहता हूँ, अगर आप लोगों को ये सारे जानने हैं तो आप एक कॉपी या पेंसिल ले लें, क्योंकि ये बहुत बड़ी भी हो सकती है वीडियो, मुझे मालूम नहीं। फिलहाल अगर आप कॉपी और पेंसिल लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा, आप लिख लीजिए। तो अब पहले तीन शॉर्टकट हैं और तीनों शॉर्टकट एक चीज़ से खुलते हैं, वो है विंडो आर। विंडो आर, ठीक है? विंडो आर जब आप दबाएंगे अपने कीपैड में, विंडो बटन तो सभी को मालूम होगा, विंडो आर जब आप दबाएंगे तो जो आपका ये है, ये छोटा सा विंडो खुल जाएगा। अब आपको क्या करना है, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोलना है। तो इसका एक शॉर्टकट होता है, मतलब शॉर्टकट नेम होता है, वो है विन वर्ड। आप स्पेलिंग लिख लीजिए, विन वर्ड। अब इसको जब आप एंटर करेंगे तो आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खुल जाएगा, ठीक है? अब जैसे कि हमें इसे मिनिमाइज करना है, अब मिनिमाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, विंडो वाला बटन कीपैड में और डी दबाइए, आपका जो भी ऐप खुला होगा वो मिनिमाइज हो जाएगा। अब मिनिमाइज किए हुए ऐप को दोबारा खोलना है, तो विंडो डी दबाएंगे तो हमारा खुल जाएगा। अब इसको हम रॉन्ग कर देते हैं। अब अगर हमें जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल खोलना है, तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल खोलने के लिए आपको दबाना पड़ेगा फिर से विंडो आर। अब माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल खोलने के लिए जो शॉर्टकट है वो है हमारा, देख लीजिएगा, शॉर्टकट है हमारा, स्पेलिंग देख लीजिए, एक्सेल। ये जब आप एंटर दबाएंगे आपका माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खुल जाएगा डायरेक्टली। अब हमें नोटपैड खोलना है जैसे कि डायरेक्टली, तो फिर से विंडो आर दबाएंगे। मैंने कहा था ना ये तीन चीज़ों का शॉर्टकट है, तो विंडो आर जैसे ही आप दबाएंगे, विंडो आर जैसे ही आप दबाएंगे, यहाँ पे सिंपली कोई भी लेटर कैपिटल नहीं हो, ये याद रखें, नोट नोट पैड। इसमें एक खासियत है, ये जो विंडो आर है, ये रन वाली जो सॉफ्टवेयर है, ये अपने मेमोरी जो भी इसमें होती है वो एक बार अगर आप टाइप कर दें दोबारा आपको उसमें टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं ये पहले खोल चुका हूँ, इसलिए जब आप एंटर दबाएंगे तो आपका नोटपैड खुल जाएगा। अब होता है कि अब हमें इसे फुल स्क्रीन पे लाना है, तो इसे हम कैसे लाएंगे फुल स्क्रीन पे? तो फुल स्क्रीन पे लाने के लिए याद रखें, अल्ट अल्ट जी आर नहीं, अल्ट वाला बटन ALT और जो स्पेस बार सबसे जो लंबा बटन होता है हमारे कीपैड में, वो इन तीनों को होल्ड करे रहें, और फिर उसके बाद एक्स बटन ABCD में आप करेंगे तो फिर आपका ये आ जाएगा। फिर इसे हम हटा देते हैं। अब हमें जैसे कि अब हमें कोई भी अब जो हमने नोटपैड खोला वो छोटी स्क्रीन पर आ रहा था, अब हमें उस छोटी स्क्रीन को बड़ी स्क्रीन पर किया हमने, अब उसे अगर हमें छोटे पे करना है तो कैसे करेंगे, नॉर्मल स्क्रीन पे दोबारा से लाना है तो कैसे करेंगे? देखिए पहले हम खोल लेते हैं, अल्ट याद रखिएगा, स्पेस, पहले तो हम इसे बड़ा कर लेते हैं, अल्ट स्पेस एक्स, ठीक है ना? अभी छोटा है, अब इसे हम बड़ा करते हैं, ये बड़ा हो गया। अब इसे हमें छोटा करना है तो क्या करेंगे, अल्ट स्पेस, अल्ट स्पेस सी, डायरेक्टली वो छोटा मतलब गायब ही हो जाएगा। अब जैसे कि हम भी कोई यूट्यूब पे अब हम खोल लेते हैं, यूट्यूब खोलते हैं हम,